गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने सभी छोटे छोटे कणों के, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना करने के लिए सूत्र सिद्ध किया था, वो सूत्र निकाल दिया था। आज उसी सूत्र को अप्लाई कर हम विभिन्न कण, जैसे इलेक्ट्रॉन का भी हम तरंग दैर्ध्य निकालेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों का आज हम तरंग दैर्ध्य निकालेंगे उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपको याद ही होगा, याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि त्वरित इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना करो, कितना होता है तरंग दैर्ध्य बताइए। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एच अपॉन रूट टू एम क्यू वी। यहाँ पर एच ई मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं, और इसी तरह सबके साथ ई लगेगा, एम ई और क्यू ई और वी एज इट इज रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पर वैल्यूज हम जानते हैं। एम ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम सब जानते हैं होता है 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम सब जानते हैं 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और एच जो है हमारा प्लैंक नियतांक है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये हम जानते हैं 6.62 × 10⁻³⁴ J/s। तो सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। यहां से हम वैल्यू सबकी पुट करके इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य निकालेंगे, लैम्डा ई इक्वल्स टू एच की वैल्यू 6.62 × 10⁻³⁴ अपॉन रूट टू। मास कितना होता है? द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³⁹। अब आवेश इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹। 1.6 × 10⁻¹⁹ और वी हम एज इट इज रखेंगे। वी यानी किस विभवांतर से या फिर किसी वेग से जो इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा, त्वरित इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर कुछ अप्लाई हो रहा है, या तो वो विभवांतर है या वेग है। तो जब हमको क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन में ये वी की वैल्यू दी जाएगी कि इस वेग से या इस विभवांतर से ये इलेक्ट्रॉन त्वरित है, तो इसका तरंग दैर्ध्य की गणना करो। तब हमें वहां पर उस वी की वैल्यू पुट करके हमें इस तरंग दैर्ध्य की गणना करनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूं, तो वो है हमारा लैम्डा ई इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। जो इसका फाइनल आंसर आएगा इस पूरी डेरिवेशन, ये जो पूरी कैलकुलेशन है इसको सॉल्व करने के बाद, वो आंसर आएगा हमारे पास 12.27 अपॉन रूट वी एज इट इज और एंगस्ट्रॉम, पूरे के पीछे एंगस्ट्रॉम आएगा। तो ये है हमारे इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य। अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, हमारे पास एक क्वेश्चन है, 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित है, इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट के 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित है, यानी वी की वैल्यू जो हो गई हमारी क्या हो गई, 100। तो इस इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य की गणना करो, तो वहां पर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लैम्डा ई इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट 100 एंगस्ट्रॉम ये, और रूट 100 हम जानते हैं क्या होता है, 10। तो यहां से आ जाएगा नीचे 10 आ जाएगा, रूट 100 हटाते ही नीचे 10 आ जाएगा, और जब 10 का डिवाइड देंगे तो ये पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 1.227। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको केवल अभी तो यही नोट करना है। इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य, ओके, तो वी की वैल्यू क्वेश्चन में ही दी जाएगी, वी की वैल्यू अभी हमें पुट नहीं करनी है, तो उतार लो इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्ध्य क्या होता है।
हाँ, और यहाँ से एक और चीज आप लिख लेना, आपको पता नहीं हो तो, बाकी छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा आपने, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है? तो एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू जो होती है इक्वल्स टू 10^-10, और ये नाभिक की क्या होती है, त्रिज्या भी होती है। एक एंगस्ट्रॉम जो होती है वो नाभिक की त्रिज्या होती है, यही हमारा एंगस्ट्रॉम इसके पीछे लगेगा। इन सब कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, 10^-10 बचेगी, और उस 10^-10 को हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, एंगस्ट्रॉम लिख दिया। ओके, तो ये नोट कर लो। हाँ, तो अब हम निकालेंगे त्वरित प्रोटॉन के लिए तरंग दैर्ध्य। फॉर्मूला वही, क्योंकि सभी कणों के तरंग दैर्ध्य की गणना इसी फॉर्मूले से की जाती है, तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। लैम्डा पी आ जाएगा अब ई की जगह, क्योंकि हम प्रोटॉन निकाल रहे हैं। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन √2 एम पी क्यू पी और वी। ओके, अब हम सबकी वैल्यूज भर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, प्रोटॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो होता है 1.6 × 10^-27। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, दोनों का सेम ही होता है। इलेक्ट्रॉन पर भी होता है 1.6 × 10^19 कूलम, और प्रोटॉन पर भी यही चार्ज होता है 1.6 × 10^19 कूलम। इसी के कारण जो परमाणु होता है वो विद्युत रूप से उदासीन होता है, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम होता है। तो अब वैल्यूज भर देंगे, और एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हर बार सेम ही रहेगी, 6.62 × 10^-34 अपॉन 2। एग्जाम में भी आप डायरेक्ट वैल्यू लिख लोगे, जैसे 12.27 अपॉन √V हमारे इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य आएगा, तो वो आप डायरेक्ट एग्जाम में भी वो वैल्यू लिख लोगे, तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि वो बच्चा कैलकुलेट कर कर लिख के गया है, या फिर वो भी जानते हैं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन एग्जाम में सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू लिखे तो भी वो एग्जामिनर आपकी राइट ही करेगा वैल्यू। ओके, तो 2 × 1.67 × 10^-27 मल्टीप्लाई 1.6 × 10^-19 मल्टीप्लाई वी वी एज इट इज, बाकी सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो यहां से हमारे पास जो तरंग दैर्ध्य आएगा प्रोटॉन का, वो होगा 0.286 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। ये है हमारे प्रोटॉन का तरंग दैर्ध्य। ओके, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10^-10, और ये हमारे परमाणु की त्रिज्या भी होती है 10^-10। ओके, तो ये नोट कर लो आप। प्रोटॉन का भी तरंग दैर्ध्य हम निकाल चुके हैं। इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटॉन इस वेग से त्वरित है, तो उस प्रोटॉन का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तो हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना होगा। हाँ, तो अब हम निकालेंगे त्वरित न्यूट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य की वैल्यू। त्वरित न्यूट्रॉन के लिए अब यहाँ पर लेमडा डी हो जाएगा। ओके, और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 2.67 × 10^-27, जो द्रव्यमान है वो है 2.67 × 10^-27, और आवेश इसका भी सेम होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का होता है, उतना ही न्यूट्रॉन का भी होता है, और एच की वैल्यू तो सबके लिए सेम रहती है, तो सब पुट कर देते हैं वैल्यू इसमें, और वैल्यू निकालते हैं हम न्यूट्रॉन की, 6.62 × 10^-34 अपॉन √2। मास कितना है हमारे पास, वो है 2.67 × 10^-27। जो आवेश है, आवेश हमारा कितना है, 1.6 × 10^-19 इंटू वी एज इट इज। ओके, और जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो वैल्यू होगी हमारे पास 0.202
अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, यही है हमारे पास वैल्यू। तो ये आ गया हमारा न्यूट्रॉन का तरंग दे दे रहे। ओके, तो आज हमने तीन कणों का तरंग दे दे रहे निकाला है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कल की क्लास में हम निकालेंगे अल्फा कण और न्यूट्रॉन का तरंग दे दे रहे। न्यूट्रॉन का तरंग दे दे रहे निकालने के लिए ऐसी सेम कैलकुलेशन नहीं होती है, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है विद्युत रूप से उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी अलग निकलेगी। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, कल का लेक्चर आप जरूर अटेंड करना। कल के लेक्चर में हम अल्फा कण और न्यूट्रॉन के जो तरंग दे दे रहे उसकी गणना करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रॉन की जो तरंग दे दे रहे की गणना है वो सबसे अलग तरीके से होती है, इसलिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये तो सारी सेम पैटर्न की चीजें है, तो हर कोई इसको एक इलेक्ट्रॉन का निकालना सीख गया तरंग दे दे रहे, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी निकाल सकता है, पर न्यूट्रॉन का नहीं निकाल सकता। न्यूट्रॉन का थोड़ा अलग मेथड है, तो वो कल की क्लास में पढ़ेंगे हम। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। ये नोट कर लेना, मिलते हैं कल।